अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए जो ब्यूटी टिप, जो रेमेडी लेके आई हूँ, बहुत ही स्पेशल है और एंटी एजिंग क्रीम है। इसको आप अपने फेस पे जब अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स खुद बोलेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर बोलेंगे, मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, कुछ खवातीन होती हैं कि वो अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती हैं, मोस्टली बहुत करती हैं अपनी स्किन का ख्याल, एप्लीकेशंस करती रहती हैं और महंगी महंगी क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं कि हमारे फेस पे कुछ ऐसे सिम्टम पहले नज़र आना शुरू हो जाएं कि हम एजेड फील होना शुरू हो जाएं। बट कुछ खवातीन होती हैं बहुत लेज़ी होती हैं, जो पार्लर भी नहीं जाती हैं या कुछ ऐसी रेमेडी भी ट्राई नहीं करती हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए है स्पेशल, कि वो घर में बैठे सिर्फ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए वो एक एंटी एजिंग क्रीम बना सकती हैं। और इस एंटी एजिंग क्रीम के अप्लाई करने से उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते जाएंगे, जैसे जैसे वो इसको यूज़ करते जाएंगे उनको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। और इस रेमेडी के लिए बहुत सी सिंपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने एक बाउल में 4 चम्मच दूध ले लेना है, बॉयल किया हुआ, ये गर्म दूध है, ठीक है। और 4 चम्मच निकाला था मैंने। फिर इसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद कुछ इस तरह से उसकी शेप आ जाएगी, ठीक है, यानी कि दूध फट जाता है। आपने उस पानी को निकाल देना है और जो इस तरीके से फटा हुआ दूध रह जाता है हमने उसको यूज़ करना है। ठीक हो गया, ये फटे हुए दूध को निकाल लेना है। फिर हमने इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट यूज़ करना है, जो कि है अंडे की सफ़ेदी। ठीक हो गया, अंडे की सफ़ेदी हम जस्ट ओनली यूज़ करेंगे, अंडे की जर्दी नहीं करनी। तो अंडे की सफ़ेदी को हम आधा चम्मच अंडे की सफ़ेदी डाल लेंगे और थर्ड पे हम ऑलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, इसके हम इसका भी हम आधा चम्मच लेंगे। ये हमने चीज़ें ऐड कर ली हैं, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्लीज़ चिक चिक को इग्नोर कीजिएगा, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कि ये फेस पे आसानी से अप्लाई हो सके। ये हमारा फेस पैक रेडी हो गया है एंटी एजिंग क्रीम का। तो इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। पहले फेस को अच्छे तरीके से धो लेना किसी अच्छे से फेस वॉश से, फिर आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट इसको अपने फेस पे लगा के रखना है। फेस पे लगा के रखने के बाद जब 15 मिनट गुजर जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा खिंचाव भी फील होगा, बिकॉज़ इसमें अंडा वो एडिशन है, अंडा डला हुआ है, उस वजह से ये स्ट्रेच करता है स्किन को। तो ये आपकी स्किन जो है ना टाइट भी करेगा, ठीक है, और जो भी आपकी फाइन लाइन्स आ गई हैं, रिंकल्स वक्त से पहले आ गए हैं आपके फेस पे, उसको भी ये रिमूव करेगा। इस रेमेडी को आपने हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और हर दफ़ा ये सॉल्यूशन नया बनाना है, पहले से यूज़ किया हुआ नहीं इस्तेमाल करना। हर दफ़ा हम जब भी लगाएंगे अपने फेस पे हम न्यू पैक बनाएंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आप इंशाल्लाह इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी फाइन लाइन्स, आपकी झुर्रियाँ जो भी वक्त से पहले आपके फेस पे आ गई हैं और आप उसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं, तो आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें यार, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, और इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।